कलयुगी ढोंगी साधु संतों को श्री संत बेत्राशोका जी ने चेताया। देश की जनता से की बड़ी अपील। धर्म का चोला ओढ़ने वाले बाबाओं का किया पर्दाफाश। विघटनकारी ताकतों का खोला काला चिट्ठा, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज का युवा जो है, मैं संस्कार की बात क्यों कर रहा हूं, आज का युवा जो है, जहां पर संस्कारों की कमी है उसमें देशभक्ति नहीं है, उसमें राष्ट्रभक्ति नहीं है, उसमें सिर्फ मेटरलिस्टिक गेन के लिए। अगर आपको ऑफर आती है कि भैया ये कर दो, आपको इतने करोड़ आपके बैंक में आ जाएगा, तो ये जो आपकी खोपड़ी है ये अब कहाँ झुकती है? अगर बीच में एक परत पैसे की लगा देगी तो उस पे वो विचार, जिस विचारों के कारण आप देश में नुकसान कर सकते हो और सामने वाला देश का नुकसान चाहता है, उस परत के तहत आप करते हैं, आपकी आत्मा जो है अंदर से दिल गवाही नहीं देता, लेकिन फिर भी करते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ही समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है साधु समाज, उनकी वेशभूषा अगर हमें नहीं पता तो हम पहले वेशभूषा पे जाते हैं, उनकी वेशभूषा को देखकर, उनकी जटाओं को देखकर, उनके वक्तव्य वाणी को देखकर सर झुक जाता है। लेकिन देश के जो दुश्मन हैं वो उनकी बुद्धि को फंड्स की परत से देश के विरुद्ध कर देते हैं। इस टाइम देश में 3-4-5 भी हो सकते हैं, साधु समाज में ऐसे लोग हैं जो धर्म के और राष्ट्र के बिल्कुल विपरीत वक्तव्य देते हैं, और ऐसे समाज में उनकी वेशभूषा पे मत जाइए। जो देश हित और राष्ट्र हित नहीं चाहता, जो धर्म का बाना ओढ़कर धर्म के विरुद्ध बोलता है, उसको आप किसी भी तरीके से उस सम्मान मत दीजिए। हमारे संस्कार जो हैं इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि पहले हमें व्यक्ति विशेष को सुनना है, वो देश हित राष्ट्र हित धर्म की रक्षा के लिए बोल रहा है या उसके विपक्ष में बोल रहा है। अगर उसके अगेंस्ट बोल रहा है तो एक सिरे से उसको खारिज करना चाहिए, उसके आगे सिर ना झुकाएं। और देश की युवा पीढ़ी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो किसी भी प्रलोभन में, किसी भी तरीके के प्रलोभन में धर्म के अगेंस्ट मत जाए। धर्म रक्ष रक्षति, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा तब होगी जब आप प्रॉपरली संस्कारित होंगे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिली में युवा पति पत्नी या माता पिता और उनके बच्चे, उनसे ऊपर वाली पीढ़ी अब जो फैशन है, अगर वो संपन्न हैं तो वो बेचारे जो हैं आपके ओल्ड एज होम में अपना देखते हैं, उनके पॉकेट अलाउ करती है, तो आजकल हर तरीके के ओल्ड एज होम बने हुए हैं। ओल्ड एज होम में जाना भी इतना आसान नहीं है, बहुत बढ़िया आपको सिफारिश चाहिए होती है और अच्छा पीछे बैकग्राउंड पैसा चाहिए होता तब आप ओल्ड एज होम में जाते हैं। और जो देश की हालात चल रही है उसमें ओल्ड एज होम बढ़ रहे हैं, उसमें ये जो मानसिक विक्षिप्तता है उसके कारण अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे
मानसिक रोगियों के लिए मानसिक अस्पताल जो हैं ये बढ़ेंगे। उसका एक ही कारण है कि आप घर में अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे रहे। वो किसी भी तरीके से अगर परेशान है तो वो संस्कार आपको ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे जी। अगर आप उनके विरुद्ध चलते हैं, आपको ट्रांसफ़र नहीं हुए, आपकी आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र नहीं हो, तो फिर गुड मॉर्निंग का कल्चर ही रहेगा। आप अपने संस्कारों को भूल जाएंगे और संस्कारों को भूलना जो है वो आपकी जो है आपकी कौम की आपके धर्म की मृत्यु है। इतने बड़े बड़े अटैक हुए फिर भी हिंदू धर्म सनातन धर्म जीवित है, फल फूल रहा है। उसका एक ही कारण है कहीं पर जो हमारे संस्कार हैं वो जीवित हैं, जिसके कारण ये देश चल रहा है। अब सरकार को क्या करना चाहिए? जिस तरीके से देश में आरएसएस जैसी संस्था जो धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए कहीं पे भी परेशानी होती है तो आप देखेंगे आरएसएस पहले पूछता है। इसी तरीके से साधु समाज जो है, साधु समाज में भी कुछ लोग अपराध करने के बाद भगवा पहन के इसमें घुस जाते हैं और उनकी मानसिकता जब वो किसी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो पता चलती है। हर एक भगवा पहनने वाले को आप सन्यासी मत समझें, क्योंकि अगर वो संस्कारित नहीं है तो वो हमारे देवी देवताओं को गाली देगा, हमारे देवी देवताओं के विपिक के लिए गलत बोलेगा। जो आप देख चुके हैं कि कई आपके जिन्होंने भगवे वस्त्र धारण कर रखे हैं उन्होंने हमारे देवी देवताओं के लिए क्या क्या बोला है जी। उसके पीछे जो है, देखिए अगर आप संस्कारित हैं, अगर हमारा साधु समाज पूर्णतया संस्कारित है और उसको पैसे का लोभ नहीं है तो वो देशी तो राष्ट्रहित के लिए आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को इस तरीके से संस्कारित करेगा जिसमें धर्म की वृद्धि होगी। अगर धर्म की वृद्धि होगी, धर्म की रक्षा होगी तो आपकी रक्षा होगी। धर्म के चिन्हों को आप अपने शरीर पर धारण करें, उसके लिए मैं आपको अगले एपिसोड में डिटेल में बताऊंगा कि धर्म के क्या क्या चिन्ह हैं, लेकिन आज बात चल रही है आपकी संस्कारों की। तो स्टार्टिंग में बचपन में आपको जो आदत में दिया जाता कि आप झुक के सम्मान करो, तो जब आप किसी के सामने झुकते हैं, दिस इज बाउ, इसको आप इस तरीके से समझिए, ये टोपी जो है ना ये आपका मस्तिष्क है, इसको जब मैं आपके सामने यूँ रखूँगा, इसको जब झुका दूंगा तो ये एस इस शेप में आ जाएगी, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। जो बुजुर्ग है कुछ ना कुछ अपना डालेगा। अगर मेरे को ज्ञान की कमी है तो इसमें ज्ञान मिलेगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो स्वस्थ हैं तो आपको वो ज्ञान देंगे बेटे ये करो जी। आप अगर कहीं गलत रास्ते पे चल रहे हैं और आपके माता पिता किसी सिद्ध पुरुष के पास ले जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि माँ बाप क्यों परेशान है, और जैसे ही आप सिर झुकाते हैं तो आपको वो ज्ञान दिया जाएगा जिसके कारण आपको जिंदगी में सफलताएं प्राप्त होंगी। इसलिए जो है बचपन से सिर झुकाने का, चरण स्पर्श सिर झुकाने का जो है आपको संस्कार दिया जाता है कि जितना आप झुकोगे उतना आपको मिलेगा। देखिए सम्मान देने से सम्मान मिलता है। लेकिन सर एक सवाल ये है कि क्या हर किसी के ही चरण स्पर्श करने चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हर किसी का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। चरण स्पर्श कहाँ होता है? जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, जिस चीज की आप में कमी है और सामने वाले
के पास उस चीज की अधिकता, वहां आप झुक जाएंगे जी। आपके पास ज्ञान की कमी है तो आप ज्ञानी जन के पैरों में जी। और आजकल का जो ज्ञान है उस ज्ञान के तहत हमारा जो युवा समाज है बुजुर्गों के सामने झुकता भी नहीं है।